नमस्कार दोस्तों, आ गए हैं हम अपनी एक और न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको टेंडुला और हॉलीवॉक्स का प्लांट ट्रांसप्लांट करके दिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए बिन ज़्यादा बातें ना करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे टेरिस गार्डन पर। और दोस्तों, आज हम प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर फूलों के पौध जो तैयार किए थे वो लगाने वाले हैं। और पूरी वीडियो देखना, बीच में छोड़ के जैसे कहीं जाना मत, जिससे पूरी नॉलेज फूल लगाने का, पौधा लगाने का आप सबको मिले। और दोस्तों देखिए कितना बड़ा हो गया है, बहुत अच्छा ये हॉलीवॉक्स का पौधा। और दो तरह का है ये देखिए, हमने जो डंडी लगाई थी एक यहाँ, ये यहाँ डंडी लगाई हूँ, एक तरफ वाइट कलर का एक तरफ पिंक कलर का है। और दोस्तों इसमें भी ये अभी बहुत छोटे हैं, अभी ये लगाने लायक नहीं है, अभी छोटे हैं ये। और इसमें भी वाइट कलर का, पीले कलर का बहुत सुंदर सुंदर फूल आते हैं। और दोस्तों ये हमारे टिंडुला का जो है पौधा है, हमने ये बीज से सीड से जो है ग्रो किया था। और इसका जो है इमृति जैसा डबल उसमें आता है, बहुत प्यारा फूल होता है। और ये वाला इसमें भी है ये, और हमने एक बार ये बड़ा बड़ा हो गया है, ये पहले ही लगा दिया था, ये छोटा छोटा भी रह गया है, इसको मैंने बाद में डाल दिया था। और ये भी है दोस्तों हमारा, ये भी है जैसे शिफ्ट करने लायक हो गया है बड़ा। और इसके अंदर यही वाला ये भी है ये, और ये है ये अभी नहीं करूँगी, ये बाद में करूँगी। तो दोस्तों हमारी जैसे हम बीज से जो पौधा तैयार करते हैं घर पे, वो खूब सारे हो जाते हैं। और जितना चाहे उतना मन चाह लगा लो, जितना आपको ज़रूरत हो उतने पौधे लगा लो, और जो नहीं लगाना है वो अपना रख दो, या किसी की ज़रूरत हो तो दे दीजिए। दोस्तों ये है लेस्टेशियम का पौधा हमारा फूल का, इसमें बहुत प्यारे प्यारे फूल आते हैं, ऑरेंज कलर का और पीले कलर का, बहुत सुंदर लगता है, ककड़ी के बेल जैसा छिछिड़ता है। हम जो है लगा के दिखाते हैं। और पौधे लगाने के लिए हमने मिट्टी पहले ही से तैयार कर लिया था, बहुत अच्छी तरह से मिट्टी बना के गमले में भर के पानी डाल के रख दिया था, कम से कम 20-25 दिन पहले, क्योंकि पहले से मिट्टी तैयार करनी चाहिए, पौधा लगाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। और मिट्टी रेडी रहती है, बढ़िया से बनाते हैं तो हमारा पौधा जो है अच्छी तरह से ग्रो करता है। जो हमने उस पर हमने वीडियो भी डाली है, बनाई है, आप सामने देख पा रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों इस पौधे के हम निकाल लेते हैं, देखिए दोस्तों ये पौधा हमने निकाल लिया है ये, अब इसको हम लगाएंगे। और बहुत बढ़िया, आप देखिए कितना बढ़िया जो है इसकी जड़ें, ये थोड़ा बड़े उसमें लगाना चाहिए, जैसे 10 इंच 12 इंच के गमले में या बोरी में लगा दें या डिब्बे हो। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये है इसमें लगा देंगे, बहुत अच्छा इसमें भी चल जाएगा। तो दोस्तों हम इसको लगाते हैं। दोस्तों जो है जब भी आप, हम हमेशा बताते हैं आप सबको कि जब भी आप सब्जियों के पौधे या फूलों के पौधे लगाएं तो मिट्टी ज़रूर गीली कीजिए। देखिए मैंने कल से ही पानी डाल के धरा है, ये कल मैंने पानी डाल दिया था शाम को, और आज दूसरे दिन शाम को लगा रही हूँ। इससे क्या होता है कि जो हमारे मिट्टी है वो पानी जैसे एकदम सोख लेती है, जो सूखी मिट्टी होती है वो गीली हो जाती है और भुरभुरी हो जाती है। ये देखिए आप, एकदम भुरभुरी हो गई है, पानी पीली है और सूखा नहीं है इसमें। नहीं तो सूखी मिट्टी में लगाने से
ये जड़ों की नमी जो है मिट्टी सोख लेती है, फिर हमारा पौधा सूख जाता है या मर जाता है, फिर हमें बहुत परेशानी तकलीफ होती है, क्योंकि हम इतने चाव से खुशी से फूलों को अपने गार्डन में पौधे ग्रो करते हैं। और सर्दियों में तो दोस्तों तरह तरह के जैसे फूल के पौधे होते हैं और हमारी बगिया हरी भरी एकदम हो जाती है। ये मैं दो पौधे एक तरह का लगा रही हूँ। जितनी इसकी जड़ थी वो दबा दिया मैंने। हमने जो है दो ये लगा लिए एक कलर के दोस्तों, और इसको भी लगाएंगे अभी बाद में। और अब इसमें से निकाल लेते हैं हम दो पौधे बहुत धीरे से। इसमें भी लगाने से एक दिन पहले पानी डाल दें, जिससे हमें उखाड़ने में बहुत आराम से आसानी से हम इस पौधों को निकाल सकें। ये दो कलर का है, दो पौधे हमने एक कलर का लगाए और दो एक, और बाद में ये भी लगा देंगे सब। ये देखिए जितनी इसकी जड़ है उतनी दबा दीजिए। वैसे थोड़ा छोटा था तभी लगा लेते, या इतना भी लगा लो बढ़िया से अच्छे से। और ये इसको भी लगा, इतना दबा दे मिट्टी में इतना। ये जो जड़े हैं ये अंदर मिट्टी की होनी चाहिए, ये बाहर रहेगा। देखिए दोस्तों ये सब लगा दिया पौधा मैंने, इसका हॉलीवॉक्स का लगाया है, सिर्फ ये नहीं लगा पाई हूँ अभी। और इतनी पौध मेरी बच गई है, इसको भी लगाऊंगी कल। और अब अंधेरा हो गया है थोड़ा, जैसे 5:30 बजे मैं आई और उसके बाद लगाते लगाते अंधेरा हो गया। तो इतनी पौध मैंने दो तरह का लगा दिया है, पिंक और वाइट, और इतनी रह गई है इसको कल लगा लूँगी। और ये भी लगानी है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ये पौध भी हमने, ये देख रहे हैं आप, इसको भी मैंने निकाल लिया है और ये भी लगा देती हूँ। और शाम है, शाम को लगाना चाहिए पौध एकदम ठंड में, जिससे हमारा पौधा रात भरे में एकदम एडजस्ट हो जाए। और अगर हम धूप में लगाएंगे तो धूप के गर्माहट से और हवा से सूख जाता है, और इसको शाम को लगाना है। ये देखिए ये पौध मैंने निकाल लिया है, अब इसको लगाऊंगी। अब ये 5:30-6 बज रहा है और मेरे तरफ थोड़ा अंधेरा हो गया है, और मैं कहीं चली गई थी तो आने में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए मैंने कहा चलो लगा लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों अब इस पौध को मैं लगाती हूँ, को जड़ को बीचम बीच लगा दें एकदम। और दोस्तों इसका प्यारा प्यारा बहुत फूल होता है, ये पूरी सर्दी हमें मार्च तक जो है, लास्ट मार्च तक, और बहुत बढ़िया फूल देते हैं एकदम। शुरुआती अप्रैल तक ही रहता है फूल हमारा, अच्छा फूल हमें मिलता है। अब इसमें भी मैं लगा दे रही हूँ एक, ये इतना ये जड़ जो है ये दबा देना है हमें। और ये जो पत्तियाँ हैं ये नहीं दबानी है नीचे, सिर्फ इसकी जो वाइट कलर की जड़ है वही दबानी है। और दोस्तों अब अंधेरा हो गया है शाम, इसलिए मैं सारी पौध नहीं लगा पाऊँगी, बाकी कल लगाऊँगी। रोड पे हमारे घर के बाहर कुछ काम चल रहा है, उसी मशीन की आवाज़ें भी आ रही हैं दोस्तों। मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, अभी ये पौध छोटी है तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालनी है, लगाने से पहले मिट्टी गीली करनी है, ये थोड़े थोड़े पानी डालना है। तो दोस्तों हम अच्छे से पानी डाल दे रहे हैं, और
तीन चार दिन के लिए इनको एकदम छाए में रखना है, धूप में नहीं रखना, जहाँ धूप आती हो वहाँ नहीं रखना है, ये एकदम छाए में, जिससे हमारे ये पौधे जैसे एक बार निकालते हैं तो इनके जड़ों को जो है वो लग जाता है, हवा लग जाती है ना, तो ये मुरझा जाते हैं, जैसे कुम्हला जाते हैं मुरझा, तो इनको सेट होने में और फिर से जो है एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है, तो इसलिए अगर हम छाए में रखेंगे तो बहुत अच्छे से हमारे पौधे तैयार हो जाएंगे और पूरी सर्दी जो है प्यारे प्यारे हमारे गार्डन में सजे रहेंगे, खिले रहेंगे, महकते रहेंगे और हमारे जीवन को, हमारे मन को भी महकाते रहेंगे और मन जो है खुशियों से भर जाता है जब प्यारे प्यारे फूल सर्दियों में हम धूप में बैठते हैं अपने गार्डन में बगीचे में, तो बहुत अच्छा लगता है और वो खुशी तो और ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम अपने हाथों से फूल लगा के और अपने गार्डन में जैसे उनकी देखभाल करते हैं, उनकी सेवा करते हैं एक बच्चों की तरह, अभी बच्चे ही हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल केयर करनी पड़ती है वैसे इनकी भी, तो दोस्तों उसी तरह से हम इनकी सेवा करते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, मन एकदम खुश हो जाता है, तो वैसे ही लगाएं। और अगर हमारी वीडियो ये फूल पौधों वाली अच्छी लगी हो, आपको पौध तैयार करने की और अपने गार्डन में लगाने तक से, तो दोस्तों लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरी देखा कीजिए दोस्तों, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।